तो मैं जानना चाहूंगा कि तमाम हवाल मेरे साथ पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को अगर चमकाना है, अगर ईमान बहुत बड़े शायर, क्योंकि हर मिले भी हर सेकंड में शायर बनाते रहते हैं। मेरी इनसे रब्ता है, मुझे मालूम है कितने बड़े शायर अभी सीमांचल के, इसलिए मैं इनके सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। ताकि नहीं, इजाजत है आपको, हक है जी आरिफ साहब। मैं अपनी माँ और बहनों के हवाले से दो चार मिसरा पढ़ता हूँ। क्यों नहीं आता कीजिए कि बेटी की क्या अहमियत है, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। नवाजिश हुआ उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। आयशा की याद ताजा हो गया। आयशा आइए भाई, सिमट के आइए, माशाल्लाह आ जाए जी, बढ़िए। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। अल्लाह हू अकबर। हारिस शहजाद राही साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनके घर के आंगन में जी, लेकिन सच है। लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, जहेज का रस्म रिवाज को चला दिया, जिसके घर में बेटियां पैदा होता है तो वो नाखुश होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, खुद हम लोग अपने करतूत पर रोते हैं, इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा इरशाद। इसलिए परेशान है आज उम्मते इसलिए परेशान है आज उम्मत आका, इसलिए परेशान है आज उम्मत आका के सुन्नती तरी समाज फरमाए इरशाद हो खारी साहब। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप बोर में होइए, बैठे हुए हमारे शायर साहब जी, जी। डाल के प्याले में कारवा पिए सारा,
सच है। अशफाक बहराजी साहब यूपी से तशरीफ लाए, इसलिए मैं और दो विषय पर इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। ठीक 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 जिनके घर में बीवी जिनकी खादिम फरमा बरदार होती है वो घर की मालिका होती है। अता करे कारी साहब अपने शोहर को बादशाह बनाकर रखती है और खुद मालिका बनकर रहते हैं, इसलिए दुआ करें कि तमाम हजरात के घर वाली फरमा बरदार हो। इत्तेहाद पाक जी मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, फिर भी माँ के हाथ